आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी आपके मॉल से बहुत अच्छी हूँ। और जी आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, मेरा चांद रात का ब्लॉग ढला है ना, मेरे पहली ईद का ब्लॉग ढला है। जो चांद रात का ब्लॉग है उसमें मैंने पहले दिन की ईद का ब्लॉग मैंने ढाला हुआ है और वीडियो भी अपलोड की हुई है। बस पहली ईद को हमें अम्मी की तरफ जाना होता है, क्योंकि जब से अम्मी की डेथ हुई है फिर हम पहली ईद जो होती है वो बड़े भाई जो है मेरे जेठ है उनके घर पर सब जमा होते हैं। तो हम लोग पहली ईद में वहाँ पर गए हुए थे, तो बहुत दो दिन से हम लोग बिजी हैं, बहुत ही बिजी हैं, क्योंकि मुझे जो है कि खुद ही वीडियो बनानी होती है, खुद ही सारी अपलोड करनी होती है, तो इस वजह से। बाकी ईद है छोटी है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और ये मेरा ड्रेस है जो मैंने सिलाई करवाया था, और ये कि मैंने चप्पल पहनी हुई है नीचे, और ये ड्रेस है जो मैं आज पहन के गई हुई थी। और दफर और एजर जो है खेल रहे हैं, और हम लोग अपने भी आए हैं। एक बज के कुछ टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा दिन ईद का स्टार्ट हो चुका है, जफर और एजर खेल रहे हैं। एजर के दूसरे पहले दिन की भी ड्रेसिंग मैंने आपको दिखाई थी, और ये जो है शाम को जब गए थे पहले दिन, तो हम लोग ये वाले एजर को मैंने ड्रेस पहनाया था, इसके साथ ये बैंड था जो मैंने एजर को पहनाया हुआ था। और हम लोग को ये रात का टाइम, हम लोग अभी अभी आए हैं। जफर और एजर जो है खूब मस्तियों में लगे हुए हैं, और आपको पता है बच्चे रास्ते में या कहीं जा रहे हों तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एजर को नीचे ये वाली सैंडल मैंने पहनाई हुई थी, और एजर जो है अपने पापा के साथ लगे हुए हैं। एजर यहाँ पर खूब मस्तियों में लगी। अच्छा, एजर को हमने ये पर्स भी पहनाया था, और एजर की ईद भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। एजर जो अपने पाओ से चाचा से ईदी लेकर आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो एजर की माशाल्लाह से आज इस बार पहली ईद थी, है ना सुबह पहली ईद थी, तो एजर को माशाल्लाह से अपने पाओ से चाचा से काफी मिली है ईद। और जो जो एजर की ईद है वो एजर के पर्स में। एजर के लिए देखिए जफर लेकर आए हुए सुबह के लिए, हम लोगों ने दूध वगैरह लिया है, अंडा वगैरह लिया। एजल अभी खेल रही माशाल्लाह से, एजल के लिए हमने केक वगैरह लिया हुआ है, और ये देखिए एजल के लिए जूस भी लेकर आए हैं। तो अभी रात का टाइम है और सब सो रहे हैं, सो रहे, और एजल खूब मस्तियों में लगी हुई है। ईद का दिन और ऐसा आपस में रही है, जफर गए हैं अभी अभी मैं ठंडा रखने लगी हूँ, बिल्कुल रेडी नहीं हुई है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है रेडी होने का। खाना भी बनाने के देखिए मैंने गोश निकाला हुआ है, नेल कलर वगैरह मैंने लगाया हुआ है, नहीं पहले लगाया हुआ है, और अभी मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई क्योंकि पूरी रात का मैं दिन के शाम के 4 बजे से लेकर रात के 5 बजे तक, 4 बजे तक मैं हुई थी सारी मेहंदी लगा लगा के। इस वजह से कोई मेरी तैयारी नहीं हुई क्योंकि ऐसी भी छोटी है तो सारे काम मुझे ही करने हैं। तो ये नेल कलर मैं लेकर आई थी, ये वाला मैंने लगाया हुआ, पाँव पर मैंने दिखा दिया, पाँव पर मैंने अभी अभी मेहंदी लगाई हुई, खाना ऊपर रखूँगी। और यह कि मेरी चांद रात का भी वेट नहीं है, तो यहाँ पर बहुत जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर बहुत बिजी जाती हूँ, बहुत बिजी होती क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची भी है, इस वजह से यहाँ पर वक्त खत्म करते हैं। तो मेरी तरफ से, सफर की तरफ से, इसी की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। जी मैंने अपने पाँव में मेहंदी लगाई है, और मैंने जो पहले ब्लॉक में डाली हुई है चप्पल मैंने ये नीचे पहनी हुई है, और ये कि ये मेरा ड्रेस है जो मैं पहन के गई हुई थी। सफर और एजर खेल रहे हैं, और ये कि मैं आपको दिखाती हूँ, अभी अभी हम लोग आए हैं और जफर और एजर खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये प्लाजो टाइप का है जो मैंने पहना है, और ये कि इसके दुपट्टे पे नीचे मैंने ये लगवाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी अभी हम लोग आए हैं क्योंकि पहले ईद में हमें अम्मी की तरफ जाना, तो टाइम में आपको दिखा देती हूँ, रात का टाइम हो रहा है और अभी अभी हम लोग आए हैं, हमने चेंज भी नहीं किया हुआ, तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये जफर का मोबाइल लगाओ, ये देखें, हाँ 1:03 हो रही है क्योंकि एजल ने थोड़ा सा उल्टा लगाया हुआ था। एजल की आपको आवाज़ आ रही है, अपने पापा के साथ बहुत जो शरारतों में लगी हुई है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, तो हम लोग सुबह का टाइम है, उठ चुके हैं और 1 बज गया है, और सुबह से मैं उठी हुई और मैंने
के कल खाना बना रही थी तो अम्मी की तरफ चले गए, तो हम लोगों ने वहाँ पर ही खाना वाना खाया था। तो अभी मैंने सुबह से उठी हुई, सुबह का नाश्ता मैंने क्या किया मैं आपको बताती, क्या बनाया मैंने सुबह उठ के। और गर्मी इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, घर भी हमारा चालू वाला है और इतनी गर्म हवा है पंखे की। और दोपहर का टाइम हो रहा है 1 बजे का, और पर्दा वगैरह हम लोगों ने आगे किया हुआ है। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। जफर पानी बना रहे हैं क्योंकि हम ना कूलर में हम लोगों ने डाली अभी अभी बर्फ, तो जफर जो है पानी बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बर्फ डाली है और गोश्त मैंने बनाया हुआ था सुबह उठ के। और ये कि सुबह फिर 1 बजे तक हम लोगों ने नाश्ता किया, बर्तन वर्तन पड़े हुए, धूप बहुत ज्यादा भाजी दे, कपड़े वॉश किए वो डाल के गई है। देखे कितनी गर्मी हो रही है। और ये देखे हम लोगों ने ये छाता वगैरह लगाया हुआ है, बैठे हुए गर्मी टू मच गर्मी हो रही है घर पे। तो ईद का दूसरा दिन है, ईद हमारे जो बच्चे मना रहे हैं और एजल को मैंने रेडी नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। मैं एजल को शाम को चेंज करवाऊंगी। और ये कि आज ईद का दूसरा दिन हो गया, बस बच्चे घूम रहे बाहर, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने और जफर को किया हुआ है रेडी, और एजल जो है वो काफ़ी कर रही है जिद क्योंकि वो रेडी है। उसको ये कि मेरे पापा मुझे बाहर लेके जाए। तो ये मेरी एजल है जिसको मैंने किया हुआ है रेडी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़ करते हैं। एजल का ये पर्स भी है। अल्लाह हाफिज़ एजल। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं और ईद का दूसरा दिन है, रात के 11 बज रहे हैं और ऑर्डर हम लोगों ने दिया हुआ है। अभी आपको सब कुछ निकाल के दो। देखना के पीछे को गिरेगा यार। अच्छा जी, तो आज जो तीसरी ईद हो गई है और दूसरा मेरा नहीं रहता है ढला दूसरी ईद का भी, क्योंकि शाम को अचानक से हमारा हुआ बाहर खाने का प्रोग्राम। तो सिस्टर लोग भी साथ थे, फिर हमारा एक कज़न था वो भी साथ था, फिर हम लोग खाने के लिए गए थे जैसे कि आपने देखा। फिर वहाँ से हम सीवीओ की तरफ निकल गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो हम लोग नहीं बना पाए। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, हम लोग अभी अभी आए और रात के बजे नहीं, क्या टाइम है मुजफ्फरजी? 2:30 हो रहे हैं। टाइम भी आपको दिखा देती हूँ, रात का टाइम है और ईद का तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं रात के बज रहे हैं 3:30 और रात का टाइम है और अभी अभी हम लोग आए हैं और एजल यहाँ पे सो रही है और बस हम लोग भी चेंज करेंगे। और ये देखिए जी, ये रात के 3:30 बज रहे हैं और अभी अभी हम लोग सीवीओ से होकर आए क्योंकि बनवाई लोग 2-3 फैमिलियाँ हम लोग गए होते हैं ना सफर जी, 2-3 फैमिलियाँ हम हो गई थी ना। हाँ, फिर हम लोग गए थे तो बस अभी मैं करूँगी चेंज। और ये मैंने कल वाले ही अपने कपड़े पहने हुए हैं और ये बस के जफर के भी वो ही है ना, सिर्फ हमारी एजर के चेंज हो रहे हैं क्योंकि एजर के हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की हुई है तो एजर के ही चेंज कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि इतना तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है। तो सुबह हो चुकी है, आज इतना तीसरा दिन हो चुका है और शाम हो गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सफर जो है ऐसे ऊपर नीचे लेकर के अभी आने वाले हैं। आज बहुत ही गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। दिन मना था आज कमरे का छत है, वो भी छतरों वाला है और
बहुत ही एक तपश थी आज, और जब से माशाल्लाह से रमज़ान ख़त्म हो गया तो गर्मी आज जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई, तो जी तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल। चावल मैंने दम पे रखे हुए हैं और ये है कि चिकन चावल आलू बना रही हूँ और ठीक है तरीके से मैं रखती हूँ उसको, तो गैस माशाल्लाह से हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे चावल मैंने जो है ना दम पे रख दिए हैं और चिकन चावल आलू बना रही हूँ मैं, और ऐसे गर्मी की वजह से आज थोड़ी तबीयत भी सेट नहीं है। मुजफ्फर से मिर्ची मंगवाई थी, ये देखिए मेरी मिर्ची कहाँ तक मुझसे ना हाथ से छूट गई है और पूरा शोपर एकदम से फट गया था, सारी मिर्ची वगैरह यहाँ पे गिरी हुई है। अच्छा से तो यहाँ पे ब्लॉग खत्म करती हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे जो आज भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही हम लोग बिजी गए, बहुत ही बिजी गए, जिस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई ना डाल पाई। तो जब लोग बना के बता के खाऊँगी तो मैं यहाँ पे मुझे छोड़ूँगी, क्योंकि काम वगैरह करती हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बहुत गर्मी की वजह से थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। खाना भी मैं आपको बता के 10 बज के अभी मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि बीपी काफ़ी लो हो रहा था मेरा, कुछ करने को दिल नहीं था, मैं गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी इस वजह से, बाकी थके भी हुए। रात को वही 3-4.30 बजे तक हम लोग आ रहे हैं, 3:30 बजे तक छोटे आपसे मैं खुशी की है और कुछ कैसे छोटी है जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो रही, कुछ थके हुए हैं, तो इस वजह से बात नहीं आप लोग करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।